जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि श्रावण मास आते ही हमारे हिंदू धर्म के सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें से एक फेस्टिवल है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। तो जन्माष्टमी पर हम तरह तरह के प्रसाद का भोग अपने कान्हा जी के लिए बनाते हैं। उनमें से एक उनका मनपसंद प्रसाद है गोपाल काला। ये प्रसाद महाराष्ट्र में मोस्टली हर घर में जन्माष्टमी के दिन बनता ही है, तो इसी की रेसिपी मैं आज लेकर के आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे कान्हा जी का प्रसाद गोपाल काला कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम मोटा पोहा लेंगे, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो करके रख दिया था, और एक चम्मच मैंने लिया था ये चना की दाल, इसे भी मैंने एक घंटे पहले भिगो करके रख दिया था, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब थोड़ा इसे हेल्दी सा बना लेते हैं। तो हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने आधा एप्पल बारीक बारीक कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने डाल दिया है आधा कट किया हुआ ककड़ी, जिसे खीरा भी बोलते हैं। तो इससे थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है और टेस्ट भी थोड़ा इन्हांस हो जाता है। देन हमने इसमें कटी हरी मिर्च डाल दी है, आधी कटी हुई हरी मिर्च है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज स्किप करिए। और फिर कटी हुई, अब थोड़ा इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए नींबू का खट्टा मीठा अचार मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे इसमें नमक, और बिल्कुल पिंच भर इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, स्पून से मिक्स कर लीजिए अगर मिक्स हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो अच्छी तरह से हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। आपको इसमें दही डालना है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, थोड़ा चटपटा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो बस बन गया हमारा गोपाल काढ़ा। तो इस प्रसाद को आप एक बार ज़रूर, ये प्रसाद कान्हा जी को तो बहुत पसंद आएगा और डेफिनेटली आप लोगों के घर वालों को भी बहुत पसंद आने वाला है, तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी एंड एडवांस।